जैसे कि सिंगापुर है, मलेशिया है, साउथ कोरिया है, जापान है, ऐसे कई देश अपने रूटीन तरीका से उभर कर उठकर कुछ नया रास्ता पकड़ के अपने पीछे का अनुभव का सार लेते हुए जिन्होंने काम किया है वो देश विकसित हुआ है। आपको आसान से समझ में आने के लिए मैं एक बात बोलता हूं। अभी हाल में ही कर्नाटक राज्य का चुनाव आपने देखा है, वहां भाजपा का सरकार हार गया और कांग्रेस का सरकार आ गया, कोई जीता है कोई हारा है, लेकिन क्या बदलने वाला है? कुछ बदलेगा? कुछ बदलने वाला है? कुछ नहीं बदलने वाला। ये तो कथा 75 साल से चलते ही आ रहा है, कोई पार्टी जीतता है, कोई नेता जीतता है, कोई हारता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। चुनाव में और चुनाव के बाद जनता का जीत होना चाहिए। और ये बात मैं निसंकोच कह सकता हूं, भारत राष्ट्र समिति एक ऐसी शक्ति है जो जनता को जिताने के लिए हम शपथ आज ले रहे हैं। जनता की जो अपेक्षा, उनके अनुरूप कार्यक्रम बनाने का पूरे भारत में एक पहला पार्टी है जो भारत राष्ट्र समिति है, जिन्होंने तेलंगाना राज्य में जनता को, किसान को जिता के दिखाया है। खाली बातों में नहीं, अपने काम से, अपने दीक्षा से जिता के दिखाया है। आज किसी को इसमें शक करने की जरूरत नहीं है। निसंकोच आज तेलंगाना मॉडल पूरे भारत में डिमांड हो रहा है। तेलंगाना मॉडल चाहिए हमको, पूरे राज्यों में, पूरे भारत में यह नारा गूंज रहा है। जब तक भारत नहीं बदलेगा, जब तक भारत में एक गुणात्मक परिवर्तन नहीं आएगा, यहां कोई काम होने वाला नहीं है। मैंने पीछे भी आप लोगों को बता चुका हूं, पानी जो चाहिए होता है सिंचन के लिए भी, पीने के लिए भी, जितना चाहिए भारत के लिए उससे डबल पानी की उपलब्धि है भारत में। मैंने आंकड़े पहले भी दे चुका हूं, पानी को रखते हुए भी आज हम पानी से वंचित है। और पानी इतनी अमूल्य चीज होती है जो कहीं किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, आदमी पानी को नहीं बना सकता, तो इतने अमूल्य चीज को हम जिस तरीके से संभालना चाहिए उस प्रकार का नहीं कर रहे, लेकिन हजारों टीएमसी समंदर के लिए छोड़ दे रहे हैं। और एक तरफ हमारे किसान बहुत भारी नुकसान उठा रहे, कुछ तो अपने जान भी खो बैठे आत्महत्या करके, ऐसी स्थिति है। किसी भी शहर में पूछो, महाराष्ट्र राज्य में, वो चाहे अकोला हो, अमरावती हो, वो भाइयों के लिए कुछ कुर्सी डालो ना भाई, खाली जगह है तो कुर्सी डाल दो, जल्दी कर दो ईमान से। इधर भी कुछ लोग कड़े के हैं, कई राज्यों में, लास्ट टाइम मैं जब नांदेड़ आया था तो हमारे अभय पाटिल के घर बैठा था मैंने, वहां पे किसी ने बोला साहब अकोला में, औरंगाबाद में 8 दिन में एक बार पानी मिलता है। वहीं अकोला वाले हमारे प्रकाश पोरे साहब थे, वो कह रहे थे अकोला में 7 दिन में एक बार आता है, सोलापुर में कह रहे थे कि 10 दिन में एक बार आता है। ये स्थिति क्यों है और ये स्थिति कब बदलेगा, कैसा बदलेगा, बदलने वाला कौन है? अब के जो नेता है, अब के जो पार्टी है, वो नहीं बदलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और एक भी पार्टी बदलने का इच्छा शक्ति रखता तो कब का बदला हुआ होता, ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए ये एक राज्य की कहानी नहीं है, पूरी देश की कहानी है। कहने के लिए शर्म आता है, 75 साल के आजादी के बाद भी हमारे देश की राजधानी